एक्टर फरदीन खान ने अपने शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन से हर किसी को हैरान कर दिया है। जब फरदीन की ये पिक्चर सामने आई थी तो उनके मोटापे को देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि फरदीन का वो चॉकलेटी बॉय वाला चार्म अब नहीं बचा, और इसलिए लोगों ने फरदीन की सोशल मीडिया पर खूब बॉडी शेमिंग भी की थी। लेकिन फरदीन ने शायद इन सभी बातों को इतनी पॉजिटिवली लिया कि उन्होंने अब जब वापसी की तो उनकी फिट और दमदार फिजिक को देखकर उन्हीं लोगों के मुंह बंद हो गए जो पहले उनका मजाक बना रहे थे। और आपको बता दें कि फरदीन ने 6 महीने में 18 किलो वजन कम किया है। तो भाई आखिर फरदीन ने अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपना वेट लॉस कैसे किया, इसके बारे में उन्होंने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में खुलासा किया। और इसी के साथ फरदीन ने इस बात का भी खुलासा किया कि आखिर वो इतने टाइम से फिल्मों से क्यों गायब रहे। सबसे पहले आप सुनिए फरदीन का वेट लॉस पर बयान। मैं फिजिकली 25 का महसूस करना चाहता था, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं बॉडी का डाउनफॉल होता जाता है। मैं फिर से बहुत अच्छा महसूस करना चाहता था। इसके बारे में सोचने के लिए बॉडी और माइंड के कनेक्शन की जरूरत है। मैं हेल्दी फूड के साथ वर्कआउट करने से दोबारा फिट हो सका, यानी सही डाइट और सही वर्कआउट की मदद से फरदीन ने 6 महीने में 18 किलो वजन कम किया। वाकई में इसके लिए फरदीन की कितनी मेहनत और डेडिकेशन लगी होगी। खैर इसी के साथ फरदीन ने यह भी रिवील किया कि आखिर वो इतने सालों से फिल्मों से क्यों गायब रहे। दरअसल फरदीन ने बताया कि उन्हें और उनकी पत्नी नताशा को पेरेंट्स बनने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते अचानक उन्हें फिल्मों से इतना लंबा ब्रेक लेना पड़ा। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक फरदीन ने अपने एक बयान में कहा है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना लंबा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये हो गया। शुरुआत में मेरी पत्नी नताशा और मुझे लंदन जाना पड़ा क्योंकि हम पेरेंट्स बनने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे थे। फाइनली साल 2013 में बेटी का जन्म हुआ और उसके 4 साल बाद बेटे का। हर बार खुशियों का एक बंडल होता था जो हमारी जिंदगी को संभाला करता था। मुझे खुद पता नहीं कि कब और कैसे इतना समय गुजर गया। मुझे मुंबई और लंदन के बीच अप डाउन करना पड़ता था क्योंकि हमने IVF को चुना था, तो मेरी पत्नी नताशा के लिए आसान नहीं था, मुझे उसके साथ रहना पड़ता था। पर अब जाहिर है कि जब फरदीन फिर से एक बार फिल्मों में वापसी के लिए तैयार हैं, तो उन्हें देखने के लिए फैंस अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और क्या पता कि आने वाले टाइम में सलमान खान फरदीन खान के इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से खुश होकर उन्हें किसी फिल्म में साइन कर ले या फिर अपनी ही किसी फिल्म में एक रोल दे दे, क्योंकि फरदीन के साथ सलमान न्यू एंट्री में काम भी कर चुके हैं। इसलिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद ये बात भी सच हो जाए और फरदीन को मिल जाए सलमान खान का साथ। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।